नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा, जो कि साहित्यकार और साथ ही राजनीतिक हस्ती हैं, उनकी जीवन यात्रा और भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति के संबंध में उन्होंने काफी कुछ अपनी कहानियों में, अपनी लेखनी में बयां किया है। साथ ही बतौर गोवा की राज्यपाल उन्होंने गरिमापूर्ण तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। आज उन्हीं से हमारी खास बातचीत होगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मृदुला जी जनसत्य न्यूज पर। धन्यवाद। मृदुला जी, एक लाइटर नोट से ही हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले साहित्यकार मृदुला सिन्हा से बात करना चाहेंगे। मृदुला जी, ये जो वक्त है वो सोशल गैदरिंग इस समय लगभग बंद है, और जैसे आप अपने राज्यपाल के कार्यकाल को भी पूरा कर चुकी हैं, तो ऐसे में आपके पास समय काफी है अच्छे लेखन का, तो आप इस समय को कैसे अपनी लेखनी के लिए इस्तेमाल कर रही हैं? ये पूरा समय मैं लेखनी को ही दे रही हूँ, थोड़ा समय परिवार वालों को देती हूँ। घर में बेटा है, बहू है, पोती है, इन लोगों से बातचीत करती हूँ, पति से बातचीत करती हूँ, लेकिन उस समय भी मेरा दिमाग जो है वो लेखन के विषय पर ही चलता रहता है। मैं तो कहती हूँ, जब कोई पूछता है ऐसे ऐसे सामान्य दिनों में भी, ये आप कितना लिखती है, कब लिखती है, मैंने कहा मैं 24 घंटे लिखती हूँ। सवाल ये है कि जो लेखक होता है, साहित्यकार होता है, वो सब काम करते हुए भी अपने विषय पर कुछ ना कुछ चिंतन मनन करता रहता है। और लिख बैठ के मैं असल में कलम से ही लिखती हूँ, मैं कंप्यूटर पे नहीं लिखती। तो मैं उसके समय में मुझे लगता है 2-3 घंटे दिन भर में या 4 घंटे 5 घंटे लिखने में लगा जी, और फिर पढ़ना पड़ता है, यही सब काम करती हूँ। और मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हो रहा, बहुत संतोष हो रहा है, एक उपन्यास पूरा कर लिया है, दूसरा उपन्यास भी पूरा करने की स्थिति में हूँ, तो इस तरह से समय का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बिल्कुल। और ये जो लोग किताबों को और खासतौर पर आपकी लेखनी को पढ़ना पसंद करते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि आप उपन्यास लिख रही हैं और जल्द ही उन्हें पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आप जरूर हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आगे आपकी कलम से हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। देखिए, लेख तो सब जगह कोरोना पर और आज की जो स्थिति है वो सबके लेख अखबारों में आ रहे हैं, लोग पढ़ भी रहे हैं, लोग मुझे बता भी रहे हैं। और अभी उपन्यास जो लिख रही हूँ, एक मैंने धारावाहिक शुरू किया, सीता, सावित्री, मंदोदरी, अहिल्या, इन सब जो हमारी ऐतिहासिक हमारे पुराणों में जो चरित्र है उनके बारे में हमारे युवा पीढ़ी के मन में बहुत भ्रांतियां थी। जब भी मैं मिलती थी तो जो हमारी पोती है जैसे उस अवस्था की लड़कियां, आप भी उसी अवस्था में आती हो, तो वो लोग ये कहते थे कि नहीं नहीं भारतवर्ष में तो महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ, महिलाओं के साथ बहुत ज्यादती हुई, वो सती बना दी जाती थी, जला दी जाती थी, मतलब तरह तरह के जो नकारात्मक पक्ष है वो ही दिमाग में है। लेकिन मैंने कहा कि मान लो ये थोड़ी बहुत प्रथा थी, हालांकि सब गलत प्रथा थी, सब खत्म हो गई, लेकिन जो उनका व्यक्तित्व था, जो चतुर्मुखी व्यक्तित्व था, जो पुरुषों से कहीं भी कम नहीं था, इस तरह का व्यक्तित्व था, तो उनका चित्र ढंग से होना चाहिए, हमारी महिलाओं के बीच में छोटे आगे आने वाली जनरेशन के बीच में जाना चाहिए। तो मैंने सब, तो मैं हिंदी में लिखती हूँ, इसलिए मैंने हिंदी में लिखे हैं सब, लेकिन सबका अंग्रेजी अनुवाद हो रहा है और साउथ इंडियन सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, ताकि सब लोग उसको, ज्यादा से ज्यादा लोग, पुरुष भी और स्त्री भी पढ़ सके। आपको आश्चर्य होगा कि सीता पुनी बोली जब मैंने लिखा तो एक महिला पूछ रही थी, मैं मृदुला बेन आजकल क्या लिख रही है, और वो ऐसी महिला ऐसे पोस्ट पर है जो महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए रखा गया उस पोस्ट पर। जी, उस महिला ने कहा, जब मैंने कहा सीता लिख रहे, उसने कहा बेचारी सीता, तो मैं चुप हो गई। और फिर मैंने कहा कि देखिए इसीलिए मुझे लिखना पड़ रहा है, सीता कहीं से भी बेचारी हुई, सीता के कारण राम को रामत्व मिला, हर उसके आज वो विस्तार से बोलने का नहीं है, लेकिन राम जो राम कहलाए, रामत्व मिला उनको, तो हर घटना सीता के साथ घटी और उसके कारण उनको मिला, बहुत कुछ है सब हमारे चरित्र में। तो मैं ऐसे चरित्रों का के ऊपर उनकी आत्मकथा शैली के रूप में लिख रही हूँ। एक बार मुझे एक MP साहब ने कहा कि आप सीता की आत्मकथा कैसे लिख सकती हैं,
आत्मकथा तो आत्मकथा होती है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं सीता हूँ, मैं मिथिलांचल की बेटी हूँ और मैं भी सीता हूँ। मुझे बहुत देर तक देखते लगे, बहुत खुश हो गए। मैंने कहा देखिए बात यह है, मैं सीता नहीं, लेकिन हर स्त्री में सीता का अंश है, क्योंकि इतने दिनों से जो 5000 साल पहले से ही सीता और सभी ऐसी महिलाओं का की कथा सुनाई जाती है, विभिन्न प्रकार से कथा कही जाती है, तो कहीं ना कहीं सुनने वाले को उसके व्यक्तित्व का उसके अंश आ ही जाता है। उसके हर पुरुष में राम का अंश, तो इसलिए इस चीज को उस तरह से ज्यादा एग्जेजरेट नहीं करना है, गलत नहीं लिखना है, लेकिन जो सत्य है सत्य को उस ढंग से लिखना ताकि हमारे युवा पीढ़ी भी उससे प्रभावित हो, उससे सीखे। इसलिए ऐसे उपन्यास मैंने लिखना शुरू किया। तो अभी कोरोना काल में तारा के बारे में लिखा है। तारा के बारे में बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन बाली की पत्नी है और थोड़े थोड़े शब्दों में कि उसके इतनी विशेषताएं राम ने भी बताई, लक्ष्मण ने बताई और लोगों ने बताई, तो उसके व्यक्तित्व की ये थोड़ी सी विशेषताएं बताई है, उसी के आधार पर मैंने उसका चरित्र का चित्रण किया है। उसमें राम कथा तो आ ही जाती है। तो इस तरह से तारा पूर्ण किया। अभी अभी कोरोना पे लिख रहे, कोरोना पर जो लिख रहे हैं वो भी अभी काफी हो गया काफी दूर तक, और इसके कारण क्योंकि ये भी तो इतिहास बन जाएगा। मैं आपसे जरूर ये अलग से इस पर बात करना चाहूंगी जो आप कोरोना पर लिख रही हैं, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक समय चल रहा है जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, और आपके कलम से उसे कैसे बयां किया जाएगा इस पर हर किसी की दिलचस्पी है। लेकिन मृदुला जी, जो बात आपने कही है ये वाकई बहुत ज्यादा आकर्षित करने वाली है कि हम सिर्फ अपने हिस्ट्री में जो हमारे महिलाएं रही हैं सिर्फ उन्हें इस तरह से ना देखें कि उनके पास उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं और इसी वजह से उन्हें जाना जाए, या फिर उनसे ऐसी प्रेरणा ली जाए कि ऐसे अत्याचार अब हमें नहीं सहने हैं, महिला सशक्तिकरण की बात हम कहें। लेकिन जो पॉइंट आपने रखा है कि उनके जो सकारात्मक पहलू थे, जो उनकी अपनी ताकत थी, जो उनके अपनी शख्सियत और क्षमता थी, उसे भी आप बयां करना चाह रही हैं, जिससे हम प्रेरणा अपने इतिहास से जुड़ी उन महान महिलाओं से भी ले सकें। जी बहुत अच्छी बात है। जी मृदुला जी कहें। उदाहरण देना चाहूंगी, लोगों के सामने रखना चाहूंगी कि सीता है, इन लोगों की बात, सावित्री एक महिला है हमारे इतिहास में, सती सावित्री से कहते हैं, जो यमराज से डिस्कशन करती है, यमराज से वार्तालाप, और यमराज को परास्त करती है। कैसी विदुषी थी, कितनी ऐसी बात थी कि यमराज को भी उसने परास्त कर दिया। लोग इसको कहेंगे जब पतिव्रता नारी थी, पति के लिए रोई चिल्लाई नहीं, हो उसके पास तो सारा दम था, न रोना न चिल्लाना कुछ नहीं, मेरे पति को वापस कर जी। और वापस लेके आई, तो वो अपने तर्क के आधार पर लेके आई, विदुषी नारी। जिस तरह से बहुत सारे हमारे इतिहास में महिलाएं हैं जो वीरांगनाएं भी हैं, विदुषी भी हैं, सब प्रकार के उनसे पड़ी। और ऐसी कहानियों की और इस तरह का जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचाने की उम्मीद आप जैसे साहित्यकार, आप जैसे लेखकों से ही है हमें। तो आप मृदुला जी इसी तरह लिखती रहीं जो आप लिख रही हैं। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि कोरोना पर भी आप लिख रही हैं, तो ये भी हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आप एक राजनेता भी हैं, आप एक लेखिका भी हैं, साहित्यकार हैं, तो कैसे आप इस समय को पहले देख रही हैं उसके बारे में बताएं, और फिर हम ये भी जानेंगे कि आप इसे किताबों में कैसे इसे दर्ज कर रही हैं, कैसे कागज पर उतार रही हैं। मैं ये बता रही हूँ, इसलिए लिख रही हूँ कि मेरे बचपन में 1934 में बहुत बड़ा भूकंप आया बिहार में, तो ये लैंडमार्क बन गया। हमारे गांव में लोग पूछते थे तुम्हारे बेटे का क्या उम्र है, तो सब महिला या पुरुष ये बताते थे कि ये भूकंप के समय 4 साल का था, ये भूकंप के बाद 2 साल के बाद जन्म हुआ, मतलब एक लैंडमार्क हो गया था जो उसी के आगे पीछे दुनिया चल रही थी। कोरोना इतना बड़ा बड़ा महामारी जो केवल एक राज्य में नहीं है, केवल देश में नहीं है, पूरे विश्व के को घेर रखा है। तो ऐसे समय में जब हर व्यवस्था चरमरा गई है, आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है, जो शैक्षणिक स्थिति है वो सब खराब हो रहा है, किसी तरह सरकार संभालने की कोशिश कर रही है, परिवार में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो रही है, कुछ अच्छा कुछ बुरा हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा एक लैंडमार्क, बहुत बड़ा इतिहास का एक खंड। अब इस इतिहास के खंड में कोई 4 लाइन में तो इसकी कहानी कह नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में
परिवार पर क्या असर पड़ा, मजदूरों पर क्या असर पड़ा, सब हर चीज में, और खास करके कैसे वेबिनार होने लगे, सेमिनार की जगह पे वेबिनार की भरमार हो, तो डिजिटल हो चतुर्दिक गए जी। परिवर्तन आए। इस परिवर्तन और ये परिवर्तन यहीं तक खत्म नहीं होगा, कोरोना तो जाएगा, लेकिन ये जो अभी हम लोग जो परिवर्तन लाए हैं, हम लोग लाए हैं, तो हम इसको बहुत चीजों को लेके जाएंगे, आगे तक जाएगा, ये हमारे जीवन की स्थिति में परिवर्तन लाएगा, बीमारी नहीं गिरेगी, तो एक बात। दूसरी बात जो मैंने महसूस किया कि बहुत कुछ कोरोना का जो इलाज है या जो सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है, ये सब हमारे गांव में होता था। जैसे हमारे गांव में एक, हमने इस तरह का भी लिखा भी है कि कोरोना हो जाने के बाद की एक माँ है 90 ईयर्स की, वो अपने बेटे को बाहर नहीं जाने देती है, 60 वर्ष का उसका बेटा है, वो अपने घर में ही रख के उसका इलाज करा के उसको ठीक कर देती। तो पहले ऐसा होता था, यदि 5-6 कमरे का घर है तो एक कमरा इसलिए छोड़ा रखा जाता था, किसी को चेचक हो गया, किसी को बच्चा हुआ, किसी को मलेरिया हुआ, यानी ऐसी बीमारी जो छूत की बीमारी होती थी, वो एक कमरा होता था, उस कमरे जिसके यहाँ में ज्यादा कमरा नहीं हुए, कमरे को खाली करा के फिर उसी कमरे में बीमार को रखा जाता, जी बहुत कुछ। अच्छा, दवा दारू में जितनी चीजें अभी बताई जा रही है आयुर्वेद की तरफ से, यही दवा दारू को खिला खिला के बच्चों को ठीक किया जाता था या बड़ों को, तो मुझे तो बहुत चीजों में ऐसा लग रहा है कि हम पुनः भारतीयता की ओर जा रहे हैं। जी और ये खुशी की बात मेरे मन में निकल के आ रही है कि जिन चीजों को हमने छोड़ दिया, जिन व्यवहारों को हमने छोड़ दिया, वो व्यवहार हमारे जीवन के लिए बहुत उचित है, बहुत आवश्यक है, हम फिर से उन व्यवहारों को अपनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, ये भी खुशी। जी और लेकिन जिस तरह आप हमें जो बिल्कुल दूसरे फ्लैशबैक कारण, में ले गई मृदुला जी, जो रेफरेंस आपने दिए हैं इन बीमारियों के, और बिल्कुल सटीक पाए जाते हैं कि किस तरह से पहले से ही ये चीजें मौजूद हैं, लेकिन हमें अपने इतिहास से और अपने पिछले बीते हुए समय से ही कुछ चीजों को सीखकर इस बीमारी से भी लड़ना होगा। और मैं ये जरूर जानना चाहूंगी मृदुला जी कि आखिर इस पूरी महामारी के दौरान बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो लोगों का पलायन रहा हो, मजदूरों का पलायन रहा हो, कई बड़ी ऐसी घटनाएं हुई हैं इस कोरोना काल में, तो आप किस पर फोकस कर रही हैं, आप खास तौर पर किस पर लिख रही हैं इस महामारी के दौरान, कोरोना महामारी के एक दौरान? किसी एक पर फोकस नहीं कर रहे, हमने सबको लिया, क्या स्थिति हो रही है, सब चीज को लिखा, आर्थिक स्थिति को भी लिया है, अच्छा जो मजदूरों का पलायन हुआ है, जिस आने वाले समय में किस तरह से आर्थिक व्यवस्था पर असर पड़ेगा, किस तरह से सरकार इसको संभालने की कोशिश कर रही है, ये जी सारी चीजें। दूसरा, दूसरी बात क्या कि जैसे चीन का मामला आ गया, तो हमने उसमें इस विषय को भी लिया है कि जो हमारी जो संबंध है, विदेशों से संबंध रहा है, उसमें भी जोर घटा होगा, उसमें भी एक नया रूप निकल कर आएगा, तो एक तो बहुत बड़ी, बहुत बड़ा फलक है इसके बारे में, इसलिए एक नहीं लिया है, जहां तक जितना जुड़ सकते हैं उससे जुड़ने की कोशिश किया है। जी और अमृतला जी, इंतजार रहेगा आपकी इन किताबों का, और किस तरह से अलग अलग माध्यम से, क्योंकि अब तो डिजिटल सब कुछ है, तो आपकी किताबें डिजिटली भी बहुत लोगों के लिए अवेलेबल हैं और लोग पढ़ते हैं, और आपकी जो मृदुला सिन्हा की लोकप्रिय कहानियां हैं, ये मुझे लगता है कि हर किसी ने पढ़ी है, और एक बहुत जुड़ी यादें इन किताबों से आपकी हैं। मैं आपसे ये जरूर जानना चाहती हूँ कि मृदुला जी, आपने लेखने की शुरुआत कैसे और कब से की? क्या आपको शुरुआत से ही लिखने का शौक था? देखिए, मुझे अब जब मैं अपना आत्म निरीक्षण करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं मनोविज्ञान की छात्रा भी रही, तो मुझे लगता है कि मैं बचपन से बहुत संवेदनशील, और कोई भी घटना होती थी घर में बाहर, जो हम बहुत छोटपन में जब जाके हम देखते थे, अब जब मैं उसको याद करती हूँ, तो मुझे लगता है कि उन घटनाओं में दूसरे लोगों पर वैसा प्रभाव नहीं पड़ा जैसा मेरे ऊपर पड़ा। मैं बहुत संवेदनशील थी शुरू से, और जब मैं छात्रावास में पढ़ती थी, 8 वर्ष की उम्र में मुझे छात्रावास में भेज दिया गया, तो हमारी जो साथी थी, मित्र थी, दोनों से किसी किसी से झगड़ा हो जाता था, कभी बचपन में मैंने झगड़ती थी उनकी तरफ से होता था, लेकिन मैं कोई ना कोई कहानी लिख देती थी, कुछ ना कुछ लिख देती थी इस तरह से, तो वो सब कहानियां भी है नहीं मेरे पास, लेकिन पैरोडी बहुत बना देती थी, बात बात में मेरा पैरोडी का सब दूसरे लोग की, जैसे मेरी एक कटोरी खो गई, अब कटोरी का खोना हॉस्टल में किसी का बर्तन खो गया, कपड़ा खो गया, सब चलता था, लेकिन जी
उन दिनों मेरा ख्याल है नागिन फिल्म का गीत था, उस पर मैंने पैरोडी बनाई। हॉस्टल हॉस्टल चौके में मैं ढूंढ ढूंढ रे कटोरिया, कटोरी कटोरी रटके मृदुला हो गई रे बावरिया, ऐसे करके बहुत सारे चीजें बना दी थी और भी थी। तो इस पर लेकिन मैं जब 9वीं कक्षा में थी तो मैं अपनी एक मित्र को लेकर कहानी लिखी, वो एक्सरसाइज बुक में लिखा था, जो कॉपी होती थी वो मुझे मिली नहीं। तो समझिए कि बात अटक गई, फिर पढ़ने लिखने में लग गई। जब बाद में जब मैं बैठी, मेरे पति मिनिस्टर हो गए, तो मैं इनको हमेशा कहती थी मैं क्या करूँ, आप तो मिनिस्टर हो गए मैं क्या करूँ। तो ये कहते, प्रोफेसर थे, तो ये कहते थे आप कहानी लिखो। मैं बहुत गुस्सा हुई, मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैं कहानी लिखूंगी? बोलते मैं लेक्चरर हूँ ना, मैं शिक्षक हूँ, मैं समझती हूँ, मैं समझता हूँ कि शिक्षार्थी में क्या योग्यता है, तो आप कहानी लिखो। आप विश्वास करोगे या नो, गुस्से में मैंने दो कहानियां लिखी, और वो दोनों कहानी एक तो कादम्बरी में छपी और एक थोड़ी छोटी हो गई थी, लेकिन प्रेमचंद जी के जो पोते थे, कहानी के संपादक थे, तो उनके पास जब भेजी गई तो बोले ये कौन है महिला, ये तो इसके कथानक तो प्रेमचंद जी वाला है। मैं गांव का, गांव के सवाल था, इसलिए उन्होंने कहा इस तरह से गाय और गांव का जोड़। और तब से जब कादम्बरी में कहानी छप गई तब लगा मुझे कि अब तो मुझे लिखते ही जाना होगा। उसके बाद से जो लिखना शुरू किया है तो कभी तो अभी सांस नहीं ली है, अभी बैठी और आगे बैठी बैठूंगी। बिल्कुल, तो ये बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। और मृदुला जी, अच्छा हुआ कि कई लोगों ने आपको इन्फ्लुएंस किया और आप एक लेखिका बनी, और आज हमारे साथ आप मौजूद हैं एक लेखिका के तौर पर, एक साहित्यकार के तौर पर, और आपकी लेखनी का जो सौभाग्य है वो सभी लोगों को मिलता है। मृदुला जी, आपने एक जगह किस्सा अपना ये ज़रूर लोगों से साझा किया था, और मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक भी ये जानें और सुनें, जिस तरह से आप महिलाओं के विषयों पर और उनकी शक्ति और उनके सामर्थ्य पर बात करती हैं। आपने कहा था कि आपकी माता 40 साल की उम्र में गर्भवती हुई थी और वे गर्भपात कराना चाहती थी और आप होने वाली थी। इस किस्से को जरा साझा करें कि उस दौरान वो क्या घटना थी और कैसे आप इस दुनिया मेरी में आई माँ होती और तो कैसे बहुत आप गुस्सा उसे होती, बयां करना चाहेंगे। मेरी माँ होती तो बहुत गुस्सा होती कि मेरी बात सबको क्यों सुना देती। लेकिन बात ये थी कि वो पूरे 40 साल नहीं, 39 40 कितने साल की होंगी, और उनके दो बच्चे, एक 20 साल के एक 10 साल के हो गए थे, एक अच्छा, बहन और मेरी भाई। तो उस समय वो गर्भवती हो गई, तो गर्भवती हुई तो उस समय 40 साल में होती थी महिला, ऐसा नहीं था कि यही हुई थी। लेकिन इनको बहुत शर्म आई क्योंकि मेरी बहन की शादी हो गई, दामाद आ गए और मैं गर्भवती हूँ, ऐसा होता था गाँव में। तो इन्होंने किसी इससे आया होती थी ना, उनसे कोई जड़ी बूटी मंगा के खा ली। तो मेरी एक दूसरी दादी थी, उन्होंने जाके मेरे पिताजी से कहा। अब ये सुनने वाली बात है कि किसी महिला के पति को नहीं मालूम था कि वो उसकी पत्नी गर्भवती। तो जब चाची काकी ने जाके कहा तो वो उसको ले आए, शहर में ले आए मेरे पिताजी, और शहर में ला करके फिर उसको रखा, फिर मैं रह गई। मुझे तो यहाँ कहानी लिखनी थी और गवर्नर बनना था, तो मैं जिंदा रह गई। तो ये कहानी, ये प्रसंग है और ये सही प्रसंग है। बाद में मैंने माँ को कहा तो माँ तुमने ऐसा किया, ये किस्सा मुझे बाबूजी ने सुना दिया था। तो मैंने जो मैं बीए ऑनर्स का एग्जाम पास की, तो मेरे पिताजी कह रहे थे जी ऐसी खुशी कैसे मिलती है आपको, आज कितनी खुश है। मैं समझी नहीं क्यों कह रहे हैं, मैंने जब पूछा तो उन्होंने बता दिया। तब मैं माँ पर गुस्सा होने लगी, क्यों किया माँ, मैंने तो बोली क्या रे सुनो ना, मुझे बहुत शर्म आ रही थी, अब बच्चा होगा। और मृदुला जी, चलिए मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि ये प्रसंग आपने ऐसी जगह पर साझा किया था जहां आप बता रही थी कि हमारे समाज में महिलाओं की, बच्चियों की, लड़कियों की क्या महत्वता है और कैसे हर एक लड़की का जन्म लेना, उसका विकास करना और उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी देना कितना ज़रूरी है। आपको ये मिला तो आप इस मुकाम तक पहुंची हैं, और ऐसे ही हर एक बच्ची को, हर एक लड़की को वो मौका मिलना चाहिए जीवन जीने का और अपने आप को जो वो चाहती हैं उसे करने का। तो मृदुला जी, ये बहुत अच्छी बातें हैं और क्योंकि आपकी बातें बहुत दिलचस्प हैं। मैं जी, उसके आप कुछ साथ कहना जुड़ चाहती के एक हैं? और बात कहती हूँ, मैं एक बात और कहती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि देखो मेरा लालन पालन जैसे इकलौती लड़की की तरह, इकलौता बच्चा की तरह हुआ। मेरे भाई भी थे लेकिन मुझे इतना ज्यादा स्नेह मिला, इतना ज्यादा प्यार
केयर मिला है, बहुत कुछ। मैं जो कहूँ मेरे मुंह से बात निकलनी चाहिए थी, बाबूजी तुरंत मुझे पूरा करते थे। शादी हुई तो सास ससुर ने वैसे ही, मेरे ससुर ने कहा नहीं ये किचन में नहीं जाएगी, ये खाना नहीं बनाएगी। अब मुझे लगता था मध्यम परिवार के लोग थे, मध्यम वर्ग के, और सास जिंदगी भर खाना बनाती रही और मुझे कैसे कहते खाना नहीं बनाएगी, एक नहीं करेगी। मैंने मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा जिंदगी में, इसलिए मैं खाली लेखिका बन गई, कलम चलाती। तो मृदुला जी, हमने अब आपके लेखन से जुड़ी बातें की हैं, लेकिन आप गोवा की राज्यपाल रह चुकी हैं, तो राज्यपालों की भूमिका, उनकी कार्यप्रणाली पर भी आपसे बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हाल फिलहाल की कई ऐसी घटनाएं रही हैं जिस पर राज्यपालों के काम करने के तरीके पर सवाल उठे हैं। तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि एक राज्य में राज्यपाल की भूमिका क्या होती है, किस तरह के उनके कार्य होते हैं, क्या शक्तियां होती हैं। देखिए, राज्यपाल जो है, जैसे हमारे संविधान में जो लिखा हुआ है, जितने धाराएं हैं राज्यपाल को लेके, उसको ही मैं अपना गीता रामायण जो है तो उसमें वह राज्य प्रमुख राज्यपाल होता है, उसी के नाम से सब काम होते हैं, जितने भी सरकारी काम होंगे लेकिन राज्यपाल के नाम से होता है। तो राज्यपाल का पद बहुत ऊंचा है राज्य को चलाने के लिए। ये एहसास हर व्यक्ति को होना चाहिए कि मैं राज्यपाल क्यों बनाई गई, राज्यपाल से अपेक्षाएं क्या है, और यह जान करके जनता के बीच और सरकार के बीच का भी संबंध बनाते रहना चाहिए। तो मैंने 5 साल बहुत ऐसे कि मैं बहुत बड़ा कोई यज्ञ में भागीदारी है मेरी, ये बहुत बड़ी पूजा कर रही हूँ, इस तरह से मन की स्थिति हुई थी कि कहीं कुछ मुझसे कोई थोड़ी भी भूल ना हो जाए, सब तरह से मैं ठीक करूँ, काम करूँ। तो महिलाओं के बीच में, बच्चों के बीच में, कॉलेज में, सब जगह, अस्पताल में, हर जगह जहां जहां गई, और बहुत सारे कार्यक्रम किए, बहुत सारे कार्यक्रम वहां होते थे, सेमिनार है और भी, सब में मुझे बुलाते थे, सब में जाती थी। और मैं अपने मुंह से कैसे कहूँ कि सब जगह कुछ ना कुछ नई बातें मैं कहती थी जिसको लोग बहुत हाईलाइट करता था, समाचार पत्रों में भी देता था, तो इससे और मेरा मनोबल बढ़ता था कि लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। किसी किसी कार्यक्रम में जाओ, बड़ा कार्यक्रम है, बड़ा हॉल है, और जब मैं बातचीत करके उतरने लगती थी कि सब हाथ सब लोग मिलाते थे, बहुत लोग रोते भी रहते थे, मैंने खुशी के आंसू होते थे उनके, ये दृश्य मैंने देखा और मुझे उससे बहुत प्रेरणा मिली। मैं स्वच्छता अभियान की भी दूत थी, प्रधानमंत्री पहला नाम उन्होंने मेरा ही लिया था, तो मैंने उसके लिए भी बहुत सारा काम, कई नई चीजें जोड़ी जैसे, और उसको लोग अब दूसरे लोग कर रहे हैं। जैसे मैंने प्रण किया और मैंने कहा कि स्वागत में मैं बुके नहीं लूंगी, मैं फल लूंगी, और फल मैं लेती थी, सब लोग फल देना शुरू, 5 ही फल दो, ज्यादा फल नहीं दो, लेकिन फल दो, बुके का तो बहुत अपमान हो जाता है, जिस तरह से लोग फेंक देते हैं, इधर करते हैं, फल तो लोग खाएंगे। और उस फल को यदि कम होता था फल, तो उसमें अपनी तरफ से खरीद के, मैंने राज भवन की तरफ से खरीद के बड़े टोकरी बना के, और फिर किसी किसी अनाथालय में, वृद्धाश्रम में, सब जगह वो फल जाता। जी तो शुरू शुरू मैंने कहा कि भाई बच्चों को नहीं बताना कि किसने फल भेजा है, लेकिन किस तरह बात खुल गई होगी तो सुना, बच्चे कहते थे, उनके आयोजक कहते थे, बच्चे कहते हैं अब दादी के घर से फल कब आएगा, राज्यपाल नहीं कहते थे मुझे, जी अब दादी के घर से फल कब आएगा। और जो किससे आप हमें बता रही हैं और हमने इनके बारे में सुना भी है, तो आप जिस तरह आपकी जो रचनात्मक विचार रहते हैं वैसे ही रचनात्मक कार्यशैली रहती है, और वही किस्सों में बदल जाती है और उन्हीं को ही लोग फॉलो करने लगते हैं और यही चलन बन जाते हैं। तो इसी तरह की कुछ कई परंपराएं हैं जो कि आपने बतौर गोवा की राज्यपाल बनाई हैं, और जैसा आपने कहा कि कई लोग उसे उसका निर्वाहन कर रहे हैं, उसे फॉलो भी कर रहे हैं। मृदुला जी, आपसे बातचीत करना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार एक समय रहता है, क्योंकि इसमें जानकारी के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग ऐसी कहानियां भी छोटी छोटी छिपी होती हैं जिन्हें आप साझा करती हैं, और यही आपकी खासियत है। मतलब जी, फिलहाल समय इतना ही, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमसे बातचीत की, जनसत्य न्यूज से आप जुड़ी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आशीर्वाद आपको, क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे बनाए, इस पर निर्भर नहीं करता है कि विद्यार्थी उत्तर क्या देता है, जी प्रश्न क्या बनाता है शिक्षक, तो उस दृष्टि से आपने प्रश्न बहुत अच्छे बनाए और मुझे भी उसका जवाब देने में बहुत अच्छा लगा, सुखद। धन्यवाद।
तो ये थी गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा, जिन्होंने कई अपने जीवन से जुड़े हुए किस्से साझा किए और बताया कि वो किस तरह की राइटिंग इस वक्त कर रही हैं, क्या कुछ जो लोग पढ़ना पसंद करते हैं उन्हें क्या मिलने वाला है, उनकी तरफ से क्या पढ़ने को मिलेगा, और साथ ही एक राज्यपाल की क्या जिम्मेदारियां हैं, किस तरह से उन्होंने अपना कार्यभार जो संभाला उसके बाद किस तरह से काम किया और कुछ नई परंपराएं भी बनाई। तो ये चर्चा, ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे जुड़ी हुई प्रतिक्रियाएं कमेंट में लिखना ना भूलें। नमस्कार।